कोरोना वैक्सीन से जुड़े हुए चार अपडेट्स आपके साथ ही वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। नए हो चैनल पर, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही दबा दो बेल के आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो। पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है चाइना की वैक्सीन के साथ। यहाँ पे इंडिया की वैक्सीन में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को इंटरेस्ट है, लेकिन चाइना में बहुत ही कम कंट्री का इंटरेस्ट जो है ना वो अभी के टाइम में है। ऐसे में जनवरी महीने में, मतलब ये जो 15 दिन गए हुए हैं ना, उसमें चाइना ने 4.5 मिलियन, मतलब आसान भाषा में 45 लाख वैक्सीन के डोजेस जो है वो अदर कंट्री में ट्रांसपोर्ट किए हुए हैं, और उससे पहले जो है वो नंबर सिर्फ 15 लाख था। ये मतलब क्लियरली दिख रहा है कि लोग जो है वो चाइना से अब दूर रहना चाहते हैं। स्पेशल इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस टाइम ज़ीरो रिलायंस दिखाया हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए वैक्सीन रिलेटेड चाइना से। आगे बढ़ते हैं सेकंड अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है फाइजर के साथ। फाइजर ने जो है वो यूरोप में जो है वो जो डोजेज आ रहे थे उसके नंबर को कम किया है टेम्पररीली, ताकि वो जो उनकी कैपेसिटी है उसे 2 बिलियन डोजेस पर ईयर की कर पाए। आसान भाषा में 200 करोड़ डोजेस पर ईयर की कैपेसिटी कर पाए, इसलिए अभी के लिए जो है उन्होंने अपनी जो सप्लाई है यूरोप में वो थोड़ी कम कर दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है 10 डेथ्स के साथ जो जर्मनी में हुई है पिछले 4 दिनों में, और वो भी वैक्सीन लेने के बाद। और जो लोग की डेथ हुई है उनकी एज जो थी वो 79 से लेकर 93 के बीच में थी, जो ऑलरेडी काफ़ी हाई एज मानी जाती है। एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो अभी तक नहीं बताया गया है कि वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट है या फिर कोई और उनका प्रॉब्लम था, वो कोई भी चीज़ें रिवील नहीं की गई है। लास्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है आज 10:30 बजे के साथ। आप ये वीडियो को इंस्टेंट देख रहे हो तो आप 10 बजे देख रहे होगे, तो 10:30 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो लाइव आके वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद जो है वो हिस्टोरिकल मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 16th of January वो एक ऐसा दिन बन जाएगा कि जब इंडिया में जब सबको, मतलब सब इन द सेंस कोरोना वैक्सीन जो है वो हेल्थ वर्कर्स को लगना स्टार्ट हो जाएगी, जो ग्रुप को स्टार्ट लगनी होनी चाहिए लगनी चाहिए वैक्सीन, उनको लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो 16th of January 2021 के दिन इंडिया में जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई थी। आशा रखता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया यहाँ तक वीडियो को दिखाए तो लाइक कर दो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।